Ramiz speaks is brought to you by Easy Paisa. बहुत ही शानदार दिन था. पहले तो ओपनिंग बहुत शानदार हुई, सेरेमनी जो थी इसमें डांसेस भी देखने को मिले, फायरवर्क्स भी थे, स्पीचेस भी सुनने को मिली. उसके बाद मुकाबला बड़ा कड़ा हुआ कलंदर्स और यूनाइटेड के बीच में, और मेरे हिसाब से जो इजी पैसा कैशबैक मोमेंट था वो पार्टनरशिप थी आसिफ अली और फहीम अशरफ के बीच में. क्योंकि वहां पे अगर ये दोनों कहीं गलती कर जाते और पार्टनरशिप ना लगती तो गेंद हाथ से स्लिप हो जानी थी. सो बड़ी अकलमंदी से खेले दोनों. जहां चौका मारना था वहां चौका मारा, जहां छक्का मारना था वहां छक्का मारा. रोटेशन ऑफ स्ट्राइक भी थी, नर्व्स को भी अपने काबू में रखा. टेम्परमेंटली दोनों स्ट्रांग थे और बहुत ही आला पार्टनरशिप थी. सो देखते हैं कि कलंदर्स ने मैच कहां जो है वो लूज किया. पहले बल्ले के साथ लूज किया, इसलिए कि इतनी अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप के बाद 100-125 पे अगर आपका एक खिलाड़ी आउट हो, उसके बाद आखिरी के 5 ओवर्स में जहां पे टीमें जो हैं वो डिस्ट्रॉय करने के लिए ऑपोजिशन को तैयार होती हैं, कलंदर्स ने 6 खिलाड़ी अपने लूज कर दिए 40 रन पे. सो एंड वैसा नहीं था जैसा वो चाह रहे थे. 170 का जो स्कोर किया वो आराम से कहीं 190 तक जा सकता था. तो ये एक बहुत बड़ी गलती की. उसके बाद जब राहत अली ने 3 विकेटें ले ली एक ओवर में, उसका फॉलो अप जो था वो अच्छा नहीं था. इसलिए कि मैं समझता हूँ उस फेज में एक तो यूनाइटेड ने बहुत अकलमंदी के साथ अपने आप को संभाला, क्योंकि डेल पॉट और हुसैन तलत की वो पार्टनरशिप अच्छी थी, और फिर मैच विनिंग पार्टनरशिप जिसका मैंने जिक्र किया आसिफ और फहीम अशरफ की बहुत ही आला थी. मगर उस फेज में कलंदर्स को विकेट्स चाहिए थी, और मुझे ऐसा लगा कि यासिर शाह जो थे वो विकेट टेकर बन सकते थे. बहुत ही सॉलिड ऑप्शन होती है लेग स्पिनर जब वो खेलते हैं, और यासिर शाह तो जादू जगाते हैं. मगर बहुत फ्लैट गेंद किए, बहुत तेज गेंद किए. ऐसा लग रहा था जैसे इकोनॉमी की उनको फिक्र थी, आउट करने की फिक्र नहीं थी. तो ये यहाँ पे जो है वो मात खाई कलंदर्स ने, और इससे सीखना पड़ेगा. क्योंकि मिडल ऑफ द इनिंग्स अगर आप विकेट नहीं लेंगे तो काम नहीं बनेगा. और जैसे यूनाइटेड खेलती है, यानी कि ग्रिट भी है उनमें, बाउंस बैक एबिलिटी भी है, तो ये टीम जो है इसको हराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. बहुत ही अच्छा मैच हुआ, जबरदस्त ओपनिंग और जबरदस्त फिनिश. फहीम अशरफ की बहुत ही उम्दा ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी. लगता है कि साउथ अफ्रीकन टूर से कुछ सीख के आए हैं, क्योंकि रिदम था बॉलिंग में, चेंज ऑफ पेस भी देखने को मिली, और बड़े अच्छे बॉल पिक किए उन्होंने हिट मारने के लिए जब वो पार्टनरशिप में इन्वॉल्व थे आसिफ अली के साथ. सो ओवरऑल यूनाइटेड की एक जबरदस्त कामयाबी थी आज. Share your superfan moments using hashtag EPFanfare and win rupees 1000 every day.